उधर यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि बखमूत के जिन इलाकों पर पुतिन की सेना ने कब्जा किया था, वहां उनकी सेना ने जोरदार हमले किए, जिसके बाद एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें वीरान पड़ चुके शहर में एक के बाद एक जोरदार धमाके होते दिखे। खंडहर हो चुकी इमारत पर टैंक के जरिए एक बड़ा धमाका होता नजर आया, जिसके बाद वहां आग लग गई, धुएं का गुबार उठने लगा। हमले के बाद इतना ज्यादा धुआं उठ रहा था जिसे देखने पर लग रहा था मानो वहां कोई ज्वालामुखी फट गया हो। यूक्रेन की सेना का दावा है कि ये वही इलाका है जिस पर दो दिन पहले ही रूस ने कब्जे का दावा किया था। असल में पुतिन की सेना ने पश्चिमी बखमूत के तीन जिलों पर पूरी तरह कब्जा कर लेने का दावा किया था। बीते कई महीनों से पूरा बखमूत भयंकर जंग का मैदान बन गया। पुतिन की फौज और ज़ेलेंस्की की सेना के बीच लगातार गोलीबारी और मिसाइल हमलों से कई शहर खंडहर बन गए, हजारों लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए। पश्चिमी बखमूत में एक भी ऐसी इमारत नहीं है जिस पर हमला नहीं हुआ हो। पिछले 5 महीने से रूस की सेनाएं हमले कर रही हैं, हालांकि उनकी कोशिश के बावजूद बखमूत पूरी तरह उनके नियंत्रण में नहीं आ सका। उधर रूस की सेना ने दावा किया कि मोर्टार हमले में उसने यूक्रेन के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसका एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उनके सैनिक ऑटोमेटिक वेसलयॉक मोर्टार से दुश्मन के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले करते नजर आए। इस खतरनाक मोर्टार को एक MTLB टैंक पर तैनात किया गया और उसके बाद यूक्रेन के ठिकानों की दिशा में निशाना लगाकर जोरदार हमला कर दिया गया। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी 25 सेकंड के इस वीडियो में रूस का एक सैनिक शक्तिशाली दूरबीन से दुश्मन के ठिकानों की ठोह लेता दिखा, जिसके बाद टैंक पर तैनात मोर्टार के जरिए गोले दागे गए। ऑटोमेटिक वेसलयॉक मोर्टार में 82 मिलीमीटर की कैलिबर यानी नली होती है जिससे 3.5 किलो तक के गोले दागे जा सकते हैं। इसकी फायरिंग रेंज 4,270 मीटर यानी 4 किलोमीटर से ज्यादा होती है। टैंक पर रखकर या ठोस जमीन की सतह से इसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। यूक्रेन के साथ युद्ध में पुतिन की सेना ने कई मोर्चों पर इसका इस्तेमाल किया और ज़ेलेंस्की की फौज को भारी नुकसान पहुंचाया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जापान के डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी सेना को नॉर्थ कोरिया के जासूसी सैटेलाइट को मार गिराने का आदेश दे दिया। जापान के रक्षा मंत्री ने सेल्फ डिफेंस फोर्स को इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। और पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जापान की सेना ने इस ऑपरेशन के लिए सैनिकों को तैनात करने की तैयारी भी कर ली। इतना ही नहीं, जापान ने उत्तर कोरिया के रॉकेट लॉन्च को देखते हुए अपने मिसाइल इंटरसेप्टर को एक्टिवेट कर दिया। असल में नॉर्थ कोरिया ने पिछले दिनों स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की थी, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया के पड़ोसी देशों में और अमेरिका में हड़कंप मच गया। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर जापान ने नॉर्थ कोरिया की सैटेलाइट या मिसाइल को शूट किया तो इससे दोनों देशों का विवाद और बढ़ जाएगा। वहीं अगर जापान का मिसाइल डिफेंस सिस्टम नॉर्थ कोरिया की मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा तो इससे जापान के सुरक्षा इंतजामों पर सवाल उठेंगे। साथ ही अमेरिका की सैनिक क्षमता भी सवालों के घेरे में आ जाएगी, क्योंकि अमेरिका ने ही जापान को मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिए हैं। राजस्थान के उदयपुर में एक होटल में आग लगने से हड़कंप मच गया। होटल के ऊपरी मंजिल में अचानक से आग की लपटें उठने लगी और बड़ी तेजी से होटल के दूसरे हिस्से में भी फैल गई, जिसके बाद वहां दहशत का माहौल बन गया। होटल में आग की खबर मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। गनीमत यह रही कि वक्त पर आग को बुझा लिया गया, जिसकी वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि आग में होटल का कुछ हिस्सा जलकर राख हो गया। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई।